तो फ्रेंड आज बात करते हैं जियो के 5G सिम के बारे में। तो फ्रेंड इस जियो का 5G सिम को कितने लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा है कि अगर हमें इस जियो का 5G सिम हमें लेना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा और कितने का आता है ये जियो का 5G सिम। और फ्रेंड जिस किसी के पास 4G फोन है उसमें ये 5G सिम काम करेगा या नहीं, ये सभी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं कितने लोगों ने पूछा क्या ये 5G सिम है और कितने लोगों ने बोला ये 5G सिम नहीं है। तो फ्रेंड आप सभी को मैं बता दूं ये 4G सिम है और यही 5G सिम है। ये जियो का सिम फ्रेंड 5G मोबाइल में भी लगेगा और 4G मोबाइल में भी काम करेगा और दोनों में ही वर्क करेगा। इस सिम को लगाने के बाद 5G मोबाइल में 5G नेटवर्क आएगा और 4G मोबाइल में 4G नेटवर्क आएगा। लेकिन फ्रेंड जियो के पुराने वाले सिम में सिर्फ 4G नेटवर्क आएगा, उसमें आपका 5G नेटवर्क नहीं आएगा क्योंकि फ्रेंड वो वाला सिम सिर्फ 4G नेटवर्क के लिए ही बनाया गया है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं ये जियो का 5G सिम आप कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड आपको नजदीकी जियो केयर में ये 5G सिम आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर फ्रेंड आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर जियो केयर बहुत ही दूर है और वहाँ पे आप नहीं जा सकते, तो आप अपने मोबाइल से ही माई जियो ऐप से जियो का 5G सिम को अप्लाई कर सकते हैं। माई जियो ऐप से 5G सिम अप्लाई करने के बाद 6 से 7 दिन के अंदर जियो का 5G सिम आपको मिल जाएगा और उसके लिए आपको फ्रेंड कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो फ्रेंड अब बात करते हैं जियो का 5G रिचार्ज के बारे में। तो फ्रेंड जियो का 5G रिचार्ज 4G रिचार्ज से थोड़ा सा ज्यादा आपको देना पड़ेगा। अगर फ्रेंड बात करते हैं जियो का 5G सिम के स्पीड के बारे में, तो फ्रेंड जियो का 5G सिम का स्पीड आपको 950 एमबीएस तक का आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड आप भी अभी जाएं और 5G नेटवर्क का लाभ उठाएं और जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।